दीदी आप परेशान क्यों हो? दीदी देखिए, हम जानते हैं आपको ऐसा कुछ आज तक कहे नहीं है, तो आपको अजीब लग रहा होगा, पर हम कसम खाते हैं आज के बाद आपको हमेशा दीदी कहेंगे। हम सॉरी बोलते हैं, आपको बहुत परेशान किए हैं, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। तो बताइए उदास क्यों? जो हुआ उसकी वजह से? तो फिर गौरी दीदी के लिए? हाँ, उनकी शादी होने के बाद हमें भी उनकी बहुत याद आएगी। दीदी आप चिंता मत कीजिए, गौरी दीदी अपने ससुराल में बहुत खुश रहेंगी और हम आपको यहाँ पर खुश रखेंगे। वो क्या है ना, आपने इतना किया जो है हमारे लिए हमेशा। अच्छा आपको एक बात बताएं, आप जानते हो उस लड़की को? हाँ वही जो शॉप में मिली थी। आपको पता है ये हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ सच में उसको पेंटिंग बहुत पसंद है, तो हमने सोचा कि इसकी तस्वीर आपसे बनवा लेते हैं और इसको कहेंगे कि दीदी ने बना के दिए, तो उसको अच्छा लगेगा। दीदी कसम से सिर्फ दोस्त है। तो आप बताइए आप बनाएंगे ना पेंटिंग इसके लिए प्लीज? बहुत बढ़िया, थैंक यू दीदी, थैंक यू। एक नंबर की पगलैट होती हैं सारी लड़कियां, बिल्ली जैसा मुंह बना के चाह प्यार भरी बातें बोल दो और बस सब बात मान जाती हैं। साक्षी कहाँ रह गया तेरा होने वाला फियांसे? आ जाएगा, तू क्यों इतना टेंशन ले रही है? आ गया अक्षत। Guys, he is my fiance, Akshat. Hi guys. Hi Akshat. Sit Akshat. Yeah. क्या यार साक्षी, अब तो हाथ छोड़ दे बेचारे का, कहीं भागा नहीं जा रहा है? Oh hello, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो मेरे अक्षत पर नजर डाले, राइट अक्षत? साक्षी वैसे अक्षत को तो हम जानते हैं, पर हमारा इंट्रो कब करवाओगी? फाइन अक्षत, दिस इज दिव्या, प्रेरणा, श्वेता एंड अंजलि। हाय गाइस, हाय एवरीवन। ओके गाइस, आज मेरी ट्रीट है तो सारी डिशेस मैंने अपनी पसंद की मंगवाई हैं। ट्रीट और नॉन ट्रीट, तुम हमेशा अपनी फेवरेट डिशेस ऑर्डर करती हो, लेकिन आज तो कम से कम अक्षत के लिए कुछ मंगा लेती। क्यों अक्षत? नहीं नहीं, इट्स फाइन, मैं तो कुछ भी खा लेता हूँ, इट्स फाइन। हाँ वैसे भी अब जो मेरी पसंद है वो अक्षत की पसंद होगी, आदत डाल। क्यों अक्षत? So cute. अक्षत तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है, ऐसे एक बात तो है, दीदी आप पेंटिंग बहुत अच्छी बनाती हो। थैंक यू, तो इसको मैं लेकर जाता हूँ, है ना? क्या है मतलब, पहले हमें कुछ काम करना होगा उसके बाद हमें पेंटिंग मिलेगी? कौन सा काम?
अरे ठीक है, हम ये ठीक करवा देंगे तभी हमें पेंटिंग मिलेगी ना। ठीक है, हम आते हैं। साक्षी, मानना पड़ेगा बहुत लकी हो यार तुम, इतना हैंडसम फियांसे जो मिला है। वैसे अक्षत, तुम शादी कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर रहे हो। आई मीन, एक ही लड़की देखी और पसंद भी कर ली, थोड़ा वेट करते तो और भी ऑप्शन मिल जाते। Oh, stop it! How dare you, दिव्या? तुम मेरे ही सामने मेरे फियांसे के साथ फ्लर्ट कर रही हो। साक्षी, चिल यार, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? हम मजाक कर रहे थे। Exactly, साक्षी। इसे बोलो अपना मजाक अपने पास रखे। He is my fiance. ये मुझसे ही शादी करेगा। साक्षी। Just stop it, अक्षत। कब से देख रही हूँ मैं इसे। And you should be thankful to me. मैंने तुमसे फ्रेंडशिप की है और अपने फियांसे से मिलवाया। वरना तुम्हें तो कॉलेज में कोई आंख उठाकर तक नहीं देखता था। साक्षी प्लीज, कैसी बातें कर रही हो तुम? अपने दोस्तों से ऐसे कौन बात करता है? अक्षत, what the hell is wrong with you? तुम हमेशा मेरे ओपोनेंट का ही साथ क्यों देते हो? पहले वो डाउन मार्केट भिखारी, and now this average looking dumbo. साक्षी please, it's fine, बैठो ना, बैठ के बात करो। हाँ, ऐसे तुम तो इनकी साइड लोगे ही। Exactly, तुम्हें इतना फेवर कर रही हैं after all, तुम्हें इतनी importance दे रही हैं, तुम्हें तो अच्छा लगेगा ही। Great. Now I understand कि तुम मुझसे शादी करने के लिए मना क्यों कर रहे हो। साक्षी प्लीज, बैठ जाओ, बैठ के बात करते हैं, सब लोग देख रहे हैं। Just shut up. Please. I am leaving. तुम enjoy करो इनके साथ, मैं जा रही हूँ। साक्षी प्लीज बैठो, मजाक। साक्षी, what are you doing यार? Just chill. Please साक्षी. You? Get lost. साक्षी प्लीज, साक्षी प्लीज। I'm really sorry. See you guys. Sakshi! दीदी, ये लीजिए आपकी घड़ी, पहन के देखिए। अरे देखिए, अब लाओ हमारी पेंटिंग दो। अच्छा सुनो, आपने आज तक जितनी पेंटिंग बनाई है ना, सारे निकाल के रखो। वो क्या है ना, हम अपने फ्रेंड्स को बताएंगे कि हमारी दीदी कितनी अच्छी पेंटिंग करती है। आप निकाल के रखो, हम आते हैं। ठीक है, भाभी। हाँ, ये देखो, मुझे पता है ये अंगूठी साक्षी को बहुत पसंद आएगी। हाँ सच्ची, बहुत सुंदर है। ये लीजिए, आ गई साक्षी। बेटा ये देख, ये अंगूठी मैंने सिलेक्ट की है, कैसी है? रहने दीजिए बीएम, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे अक्षत से शादी ही नहीं करनी है।
आप अभी जाइए, मैं बाद में आपको कॉल करती हूँ। ये अंगूठी रहने दीजिए। साक्षी, ये क्या तरीका है? साक्षी, क्या हुआ बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो? अक्षत की वजह से। अब आप ही बताइए, ऐसे लड़के से मैं कैसे शादी कर सकती हूँ जिसको मेरे अलावा हर लड़की पसंद है, क्योंकि वो उसके साथ फ्लर्ट करती है। मैंने मजाक नहीं किया है। अरे बेटा, तो इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? अच्छा अच्छा, एक मिनट। अक्षत बेटा, तुम एक काम करना, शादी के बाद है ना हेलमेट पहन के बाहर निकलना, क्योंकि अगर तुम्हें कोई दूसरी लड़की देखेगी ना तो यार हमारी साक्षी को इससे बहुत इरिटेशन होगी, नहीं साक्षी? डैड, शादी होगी नहीं डैड। साक्षी, बेटा ये क्या जिद है? ये जिद नहीं, फैक्ट है बीएम। मैं इससे शादी करने के लिए तब तक हानि कहूंगी जब तक ये मुझे सॉरी नहीं बोल देगा, और आप सबके सामने एक्सेप्ट नहीं करेगा कि इसकी लाइफ के सारे फैसले, छोटे से बड़े, सिर्फ और सिर्फ मैं लूंगी। एक मिनट साक्षी, तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ज्यादा हो रहा है? मॉम प्लीज। बेटा तुम लोग कब बड़े हो गए? शादी होने वाली है तुम दोनों की, अब छोड़ो ये सब। चलो ये देखो तू, कैसी है ये अंगूठी? नो भैया, पहले ये सॉरी बोलेगा, उसके बाद ही मेरा डिसीजन चेंज होगा। साक्षी बेटा, इतनी जिद नहीं करते हैं, मान जाओ ना। Okay, I'm sorry. Good. For आज की ये फाइट तुम्हें बहुत महंगी पड़ती है अक्षत। Anyway भैया, चलिए दिखाइए मुझे क्या लाए आप मेरे भाई। बैठो। अभी भी टाइम है, सोच लो, नहीं तो ये सॉरी आपकी लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा बन जाएगा। क्या हुआ, हम कब से देख रहे हैं आप बहुत खोए खोए से, सब ठीक है ना? सीमा, हमें हमें बिट्टी की बहुत चिंता है, हम चाहते हैं कि बिट्टी की शादी भी धूमधाम से हो, बिट्टी को भी एक ऐसा जीवन साथी मिले जो उसे बहुत प्यार करे, उसे समझे, उसका ख्याल रखे। पर जब सुरेंद्र भैया ने आज तक बिट्टी को अपनी बिटिया ही स्वीकार नहीं किया, तो फिर वो की शादी कैसे करवाएंगे? कोई बात नहीं, अगर सुरेंद्र बिट्टी की शादी नहीं करवाएगा ना, तो बिट्टी की शादी की सारी जिम्मेदारी हम उठाएंगे। उस दुकान में जो लड़का मिला था अच्छा था, वो शायद बिट्टी को पसंद भी करता है, बिट्टी के लिए ऐसा ही लड़का चाहिए। अभी तक आई नहीं? आगे 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 आगे, ब्रशला ब्रशला भाई, ब्रश दे। बोलना रिचा, रुक यार, एक सेल्फी तो ले लेने दे, आज एक भी पिक पोस्ट नहीं की है। अच्छी है ना? हाँ। गाइस तुम लोग पिक्चर क्लिक करो ना, मैं 2 मिनट में आती हूँ। ठीक है।
एक्सक्यूज मी, तुम वही हो ना जो उस दिन शॉप पर थे? हाँ, आप यहाँ? बाय द वे आई एम सॉरी, जो उस दिन शॉप में हुआ मेरा वो मतलब नहीं था जो आपने समझा। अरे इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी अपने फ्रेंड्स के साथ आई थी, तुम्हें ऐसे पेंटिंग करते हुए देखा तो आ गई तुमसे बात करने। तुम्हें पेंटिंग्स का शौक है? नहीं, किसी से मांग कर लाया है। अरे यार पवन, मजाक की भी हद होती है। आई एम सॉरी मिस रिचा सिंह। यश, यश कुमार। हाय, तो तुम मेरी पोर्ट्रेट बनाओगे? जरूर। वो तो पहले से ही बना रखी उसने। यार तू चुप करेगा? अब इसकी बातों पे ध्यान मत दो, हम आपका पोर्ट्रेट जरूर बनाएंगे। रियली? तो मैं कब आ जाऊं? आपको आने की जरूरत नहीं है, सॉरी, पर आप इतनी खूबसूरत है कि कोई आपको पहली बार देखेगा तो आपका चेहरा भूल नहीं पाएगा। थैंक यू। आप कल शाम तक आ जाइए, आपको आपका स्केच रेडी मिलेगा। ओके बाय। बाय। क्यों बे, क्यों होशियारी दिखा रहे थे? बे कौन है बे? हाँ। भाई हमारे पैसे खाकर इन लड़कियों के सामने छैला बाबू बनकर घूम रहे हो? चुपचाप हमारे 3 लाख रुपए वापस करो। भैया अब अभी नहीं है हमारे पास पैसे आपको देने के लिए, वो हम कुछ दिनों में दे देंगे। चलो तुम्हारे घर जाके तुम्हारे बाप से ही बात करेंगे हम। भैया बस इस बार हमें छोड़ दीजिए, धरती माँ की सौगंध खाते हैं, पक्का इस बार आपके सारे पैसे दे देंगे, बस हमें 4 दिन का टाइम दीजिए आखिरी बार। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो अगली बार ये चाकू तुम्हारे बाप की गर्दन पे होगा, समझ लो। भाई बोल तो दियो, लेकिन पैसे लाओगे कहाँ से? पता नहीं यार, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा।